हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑटो फ्रेक इंडिया। दोस्तों, आज मैं आपको इंडिया में जल्दी लॉन्च होने वाली ह्युंडई की कार ह्युंडई i30 के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी ह्युंडई मोटर्स अपनी प्रीमियम हैचबैक कार ह्युंडई i30 का न्यू जनरेशन मॉडल जल्दी लॉन्च कर सकती है। ह्युंडई i30 को टेस्टिंग के दौरान कई बार रोड्स पर देखा गया था। इस कार को पिछले कुछ दिनों में कंपनी के चेन्नई प्लांट के नज़दीक कई बार स्पॉट किया था, जिससे ये मानना है कि ये कार इंडिया में जल्दी लॉन्च किया जाएगा। इंटरनेशनल मार्केट में ह्युंडई i30 को 1.6 लीटर पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन के साथ बेचते हैं। इसके अलावा ये कार 2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ भी अवेलेबल है। इंडिया में i30 के जिस मॉडल की टेस्टिंग हो रही है उसमें 1.6D की बैचिंग दी गई है, जिससे साफ है कि कार को 1.6 लीटर डीजल इंजन के साथ टेस्ट कर रहे हैं। ये इंजन 2 पावर आउटपुट 115 HP और 136 HP के साथ आता है। इस इंजन के साथ हमें 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शन मिलते हैं। ये इंजन पावर के मामले में तो बहुत पावरफुल है, और अगर इसकी माइलेज की बात करें तो इस कार के माइलेज का खुलासा तो अब तक नहीं किया गया। कार के टेस्टिंग की जो फोटो सामने आई है उससे ये पता चलता है कि ARAI कंपनी द्वारा कार की टेस्टिंग हो रही है। इससे एक बार फिर ये बात साफ हुई है कि ह्युंडई i30 को इंडिया में लॉन्च करने की शुरुआत हो चुकी है। अगर हम i30 के इंटरनेशनल मॉडल के फीचर्स देखें तो इसमें LED हेडलैम्प विद DRL, 17 इंच अलॉय व्हील्स, पैनोरामिक सनरूफ, फ्लोटिंग 8 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, हायर STFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, रिवर्स कैमरा, स्टार्ट स्टॉप बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड ड्राइवर सीट, वायरलेस चार्जिंग और इसके जैसे और कई सारे फीचर्स मिलते हैं। ह्युंडई i30 एक प्रीमियम हैचबैक कार है। ह्युंडई ने पहली बार 2016 ऑटो एक्सपो में इंडिया में i30 को पेश किया था। हालांकि ये i30 का सेकेंड जनरेशन मॉडल था और ह्युंडई ने तब से इंटरनेशनल मार्केट में इसके थर्ड जनरेशन मॉडल को भी लॉन्च कर दिया है। अगर हम ह्युंडई i30 की कीमत को देखें तो इंडिया में ह्युंडई i30 को 10-12 लाख रुपीज़ के प्राइस के साथ लॉन्च किया जा सकता है। आपको बता दूं कि ह्युंडई की फेमस SUV ह्युंडई क्रेटा भी इसी कीमत के आसपास आती है। हालांकि इंडिया में i30 की प्राइस क्रेटा के प्राइस को ध्यान में रखकर तय की जाएगी। ह्युंडई i30 की भारत में लॉन्चिंग को लेकर कंपनी ने फिलहाल कोई घोषणा नहीं की है। प्रेजेंट में कंपनी इंडिया में अपनी i20 न्यू जनरेशन को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। ह्युंडई i30 अगर इंडिया में अभी लॉन्च होगी तो फिलहाल इसे टक्कर देने वाली कोई और कार मार्केट में नहीं है। पर इस समय ह्युंडई अपनी न्यू जनरेशन क्रेटा और वेरना फेसलिफ्ट पर ध्यान दे रही है, ताकि वो इन कार्स की सेल्स इंप्रूव कर पाए और इसके बाद दिवाली के टाइम पे कंपनी i20 के न्यू जनरेशन मॉडल को बाज़ार में उतारेगी। ह्युंडई i30 तो दिवाली तक हमें देखने को नहीं मिलेगी, इसे शायद 2020 के एंड में या फिर 2021 के शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको ह्युंडई i30 के बारे में क्या कहना है ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही ऑटोमोबाइल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।